दुमका में आयोजित ईस्ट जोन सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दबदबा कायम रहा। महिला एकल मुकाबले में उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तनिषा सिंह और पुरुष एकल मुकाबले में उत्तर प्रदेश के ही राजन यादव विजेता बने। दुमका बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से विजेता खिलाड़ियों को 45,000 रुपए नगद और चमचमाती ट्रॉफी के साथ प्रमाण पत्र दिया गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और बंगाल के 150 खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन भले ही दुमका में हुआ, लेकिन वहां का एक भी खिलाड़ी विजेता नहीं बन पाया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि दुमका में जल्द ही बैडमिंटन एकेडमी खुलेगी। अगर हम उसको प्रोत्साहित करें, एकेडमी के माध्यम से उसे ठीक ठाक करें, तो झारखंड भी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को भेज सकता है। तो मंत्री जी यहाँ है तो झारखंड को भेज रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो हम इसका उपयोग करें और पूरे एफर्ट को लगाएं तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हमने दिया है। झारखंड की धरती में हॉकी में तो पूरे देश में हमने अपना परचम लहराया है, क्रिकेट में भी परचम लहराया है। हम प्रयास करें कि बैडमिंटन को उसके पीछे न छूटे, इसमें भी झारखंड अपना कदम आगे बढ़ा और इसी प्रकार के टूर्नामेंट से ही लोगों में उठता होगा। मैं फिर से एक बार जो सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे उन तमाम लोगों को उनके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देते हुए माननीय बैडमिंटन की अकेडमी प्रारंभ की जाएगी। आप सभी आगत है कि इस दौरान सीनियर बैडमिंटन की टूर्नामेंट के ओपनिंग समारोह में माननीय विधायक दुमका श्री वर्षा शरण जी के द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि जन अवसर दुमका में बैडमिंटन अकेडमी प्रारंभ की जाएगी। संस्थान परगना झारखंड अलग होने के बाद बहुत चीज खेल में हो और भी सरकारी योजना में बहुत पीछे था, लेकिन अब वो बात नहीं है। आगाज हो चुका है, अब एक साल के अंदर देखिएगा कि यहाँ सारे एक्टिविटी जो राजधानी का होना चाहिए।